हेलो गाइस, दिस इज स्टडी गियर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऋषुप्ता, योर साइंस एजुकेटर। ये वीडियो क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सेकंड वीडियो है। आप पहले इससे पिछली वाली यानी कि फर्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर का और कुछ बेसिक नॉलेज समझी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखते तो इस वीडियो में आपको समझने में इतनी परेशानी होगी कि आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे इस वीडियो को। इसलिए पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी आएगी। और आज की वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक एक साथ स्क्रीन पे हैं वही आज हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट की वीडियो है। 12 मिनट ज़्यादा नहीं होते जब अपन खेलते हैं, तो जब अपन को 12 मिनट ज़्यादा नहीं लगते, 12 मिनट कब निकल जाते हैं तब पता नहीं चलती। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरी देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इस मेटल्स की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैंने मेटल और नॉन मेटल की फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि कंडक्टिविटी क्या होता है। आप वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उस वाली वीडियो को हम आई कार्ड में दे देंगे ऊपर। चलिए समझते हैं मेटल की कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी क्या है। ऑल दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कोई भी बैड कंडक्टर नहीं होता। अब आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो एक बार मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा तो फर्ज है बताना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो होता है कि जितने भी मेटल्स हैं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, ये सबके सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होते हैं क्योंकि ये जल्दी से करंट को पकड़ लेते हैं और हाल फ्लो करवाने लगते हैं अपने अंदर से। फॉर एग्जाम्पल कि एक आप आयरन की रोड ले लीजिए और अपने घर में बिजली के सॉकेट के अंदर घुसोड़ लीजिए, पता चल जाएगी फिर क्या होता है। ठीक है, ये होती है कंडक्टिविटी। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी दी स्टेट। जनरली ऑल दी मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। स्टेट हमें यह बताती है कि सामान्यतः जनरली सारे मेटल जो हैं पूरे विश्व में जितने भी मेटल्स हैं पूरी पीरियडिक टेबल में, वो सबके सब सॉलिड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्योंकि HEG से डिनोट करते हैं, वो एलिमेंट होता है मरकरी, और मरकरी लिक्विड होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। हमने पढ़ा था कंडक्टिंग लिक्विड और नॉन कंडक्टिंग लिक्विड, उसमें था कंडक्टिंग लिक्विड में हमने एग्जांपल भी लिया था, जो कि मरकरी का एग्जांपल लिया था, उसे HG से डिनोट किया था। इसलिए स्टेट हमें जो बताती है कि सारे मेटल सॉलिड होते हैं सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़कर। थर्ड प्रॉपर्टी दी है नेचर। ऑल दी मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। सारे मेटल्स जो हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब आप रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं समझाता हूँ। आप सब ये सब तो जानते ही हैं बहुत अच्छी बात तरीके से कि हर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि उसका आयन कहलाता है। ठीक है, हर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो उसका आयन कहलाता है। अब आप लोगों को ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? आप लोगों को ये नहीं पता होगी, मैं बताता हूँ क्यों होता है। ये मेटल से पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि ये अपना आयन लॉस करता है, समझ रहे हो बात को? ये अपना आयन लॉस करता है। हमने मेटल की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो अपना आयन लॉस करते हैं पॉजिटिव आयन फॉर्म करने के लिए। ये अपना आयन लॉस कर देता है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इस वजह से आयन तो खैर वो होता ही है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और जब जब पॉजिटिव चार्ज हो किसी भी एलिमेंट पर, वो समझ जाओ आप कि वो मेटल्स है और मेटल के साथ साथ वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो होती है नेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी दी है लस्टर। अब आप सोच रहे होंगे लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। ऑल दी मेटल्स पजेस मेटेलिक लस्टर। सारे मेटल्स पर मेटेलिक लस्टर होती है, मतलब मेटेलिक चमक होती है सारे मेटल्स पर। फिफ्थ प्रॉपर्टी दी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी आपको पता होगी, नहीं पता हो तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है सब कुछ, वो आप पढ़ लीजिए। उसमें बहुत बेसिक नॉलेज पढ़ी थी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा वाली वीडियो भी। ऑल दी मेटल्स आर मेलिएबल। सारे मेटल्स मेलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, वो भी आप देख लीजिए। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। इसमें हमने गोल्ड का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, इसलिए मेटल्स आर डक्टाइल, क्योंकि गोल्ड भी एक मेटल होता है, तो इसलिए वो भी डक्टाइल। तो ये हो गई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज से बहुत ज़्यादा अलग हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भी हम वही पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी, नेचर, स्टेट वगैरह, नहीं। लेकिन नहीं, इसमें हम बहुत अलग चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज से बहुत अलग चीज़ है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये समझेंगे कि जब जब मेटल्स का किस किस एलिमेंट से हम कुछ एलिमेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है, ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में समझेंगे। तो इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज ये मेटल की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहली में बता रहे हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर आगे पढ़ते हैं क्या होता है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। जब जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, 4Na+O2 2Na2O। अब इसमें ये सब एलिमेंट्स क्या हैं? 4Na, 4 तो क्या है, बैलेंसिंग के लिए। इक्वेशन को हमने पढ़ा था, बैलेंसिंग और इक्वेशन बहुत अच्छे से ही समझाता, आप जाएँ तो देख सकते हैं वाली वीडियो, रेट ऑफ रिएक्शन की लास्ट वीडियो थी वो। तो चलिए समझते हैं। Na था इसमें सोडियम, O2 था ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जब जो दोनों रिएक्ट करेंगे तो Na कितने होगा 4, O कितने होगा 2। अब जब जो दोनों रिएक्ट करेंगे तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो सीधी सी बात है सोडियम मेटल है तो वो सोडियम ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो ऑक्साइड बनाएगा, इसलिए हमने बैलेंसिंग करने के लिए इस तरीके का बनेगा, ये 2Na2O। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्लोरीन। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटेलिक क्लोराइड। इधर टी लगा लीजिए आप, से ओ लग गया है, टी ओ, ठीक है, टू फॉर्म मेटेलिक क्लोराइड। सेकेंड प्रॉपर्टी ये बता रही है कि जब हम मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो वो मेटेलिक क्लोराइड बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 2Na+Cl2, जब ये दोनों मिलेंगे तो 2NaCl बनेगा। सीधी सी बात है, NaCl जो होता है नमक होता है वो सॉल्ट, Ns में सोडियम, Cl2 क्लोरीन गैस है। जब ये दोनों मिलेंगे तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेटेलिक क्लोराइड बनाएगी, तो सीधी सी बात है जब सोडियम मेटल है तो सोडियम क्लोराइड ही बनाएगी। जे थी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन आप जानते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है सल्फेट, जैसे कि कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सब होते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस इज लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन से हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, हाईली रिएक्टिव का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हाईली रिएक्टिव का मतलब होता है जो बहुत हाई, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट से। हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल में चेंज हो जाते हैं। डिस्प्लेस का मतलब होना है, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, चेंज होना, अपनी जगह बदल लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से। फॉर एग्जांपल, Zn+CuSO4, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो बनाएंगे Zn SO4+Cu। Zn क्या है, इसमें जिंक, CuSO4 है कॉपर सल्फेट। देखा मैंने बताई थी कि सल्फेट होते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन से, और जिंक है मेटल, सॉल्ट सॉल्यूशन से इसने रिएक्ट किया तो ये बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सही बात है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल में बदल गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो पढ़ते हैं क्या होता है। मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड। जब मेटल रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो मेटेलिक हाइड्राइड बनाएंगे। इसे समझते हैं कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2Na+H2, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे 2NaH। Na इसमें सोडियम, 2 इसमें अपन ने बैलेंसिंग के लिए लगाया है, सोडियम एक मेटल है, H2 हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेंगे, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो वो मेटेलिक हाइड्राइड बनाएंगे, तो सीधी सी बात है सोडियम हाइड्राइड बनाएंगे और बैलेंसिंग के लिए 2NaH हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। जब जब डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब जब मेटल रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ये एंगल एंड कर लीजिए इसे, मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल समझते हैं हम कैसे।
इसके एग्जांपल में दिया है 2Na+2HCl। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे 2NaCl+H2। मतलब जब सोडियम रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हमने पढ़ा था जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो डाइल्यूट एसिड तो कोई सा भी हो सकता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए ऐसे हमने, डाइल्यूट H2 ऐसा बोर भी ले सकते हैं, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है वो अपनी मर्जी है, हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमने लैंग्वेज में पढ़ा था कि मेटलिक क्लोराइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो मेटलिक क्लोराइड सोडियम मेटल है तो सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 है हाइड्रोजन गैस है। लास्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटलिक हाइड्रोक्साइड। जब जब मेटल कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2Na+2H2O, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे 2NaOH+H2। आप समझते हैं कैसे, जब Na मतलब सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, वाटर होता है H2O, जैसा हमको सबसे अच्छे से यही वाला फॉर्मूला याद होता है वाटर का H2O, ठीक है। जब जो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऊपर लिखा है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो मेटल है सोडियम तो ये बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जी समझ जाइएगा, जब जब एच टू जब जब जो हो नीचे टू, जैसे कि H2CO2Cl2 वगैरह है CO2, तो समझ जाइए ये गैस है, जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है Cl2 क्लोरीन गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और भी काफ़ी सारी गैसें होती हैं, तो उसके नीचे हमेशा टू लिखा रहता है, इनकी पहचान होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी प्रॉपर्टीज़ में, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सोडियम का ही रिएक्शन क्यों करवाया है, क्योंकि अलग अलग मेटल्स का रिएक्शन आप करवाना चाहें तो करवा लें, हमने एक का करवा लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है जी। हो गई पूरी 6 की 6 प्रॉपर्टी। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप 5 प्रॉपर्टी कर लीजिए चाहे 6 कर लीजिए, वो आपकी मनमर्जी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इसके अगली आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए, और इसकी पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए उसे भी, मैंने अभी देखी कितनी बार बताया कि ज़रूरी है वो वीडियो, मैंने अभी चैप्टर पढ़ा वाला वीडियो समझाते हुए बहुत बार बताया था कि पिछली वीडियो देखिए, उसमें इंट्रोडक्शन है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिए, तब तक के लिए बाय।